हेलो दोस्तों, मैं हूं फेमस गर और आप देख रहे हैं मलंगी शोज़। इस चैनल में हम आपके लिए लाते रहते हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से नई नई वीडियोस। आज की जो वीडियो है वो भी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जी दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वह कौन सी स्किल है जिसकी वजह से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, और उसके बाद ही मैं वो आपको स्किल सिखाऊंगा भी जिसकी वजह से आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं सबसे पहले आपको ले कर चलता हूँ और लाइव करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है। जी तो अभी चलते हैं हम फ्रीलांसिंग की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है फाइवर, वहाँ पे फिर जाके देखते हैं कि क्या किस तरह आप उसको स्किल्स कर सकते हो। फाइवर पर जाना है अपने, fiverr.com करना है एंड देन फाइबर को ओपन करें। ये हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे काम करना है। जी तो ये फाइबर की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज और स्किल्स की बिना पर ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। तो जो आज की जो स्किल्स है वो मैं आपको यहाँ पे सर्च बार में आपने जाना है एंड देन आपने लिखना है सर्टिफिकेट डिज़ाइन के हवाले से। एक वेब बहुत अच्छी एक स्किल्स है ये हमारे पास पहले आ गया है, नीचे खुद इसने मतलब के सजेस्ट में डाल दिया सर्टिफिकेट डिज़ाइन। मैं आपको वो स्किल्स बताता हूँ जिसमें आप मतलब का प्रोफेशनल ना हो, आप अगर बिगनर भी हो तो आप इन स्किल्स को यूज़ करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप ये जो मैंने आज की जो स्किल्स आपके लिए डिसाइड की है वो सर्टिफिकेट डिज़ाइन के हवाले से है। इसके लिए ना तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनर के होने की ज़रूरत है, ना ही आप प्रोफेशनल फ़ोटोशॉप को हैंडल किया उसको आपने प्रोफेशनल फ़ोटोशॉप चलाना आता हो, कुछ भी नहीं करना आता हो, फिर भी आप इजीली आप ये काम कर सकते हो एंड आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक हो क्या? अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, ये देख लें हमारे साथ। ये वो लोग हैं जो मतलब कि यहीं वाला काम कर रहे हैं और इनके आप देख रहे हैं अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। ये सर कह रहे हैं आई विल क्रिएट प्रोफेशनल डिप्लोमा कस्टम सर्टिफिकेट डिज़ाइन। इनके पास देखें 256 रिव्यूज़ हैं, 5 इनके मतलब रेटिंग है रेटिंग, और $10 इनकी जो प्राइजेज है हर बंदे की आप देख लें। ये देखें 120 112। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि लोग इसे अर्निंग नहीं कर रहे, ये देख लें 85 ये 214, मतलब कि अच्छे खासे ये लोग अर्निंग कर रहे हैं इस स्किल की बिना पर। ठीक है, और बहुत ही आसान काम है, मैं आपको सिखाऊंगा। आपने 5-10 मिनट में हार्डली ये बता रहा हूँ कि 5-10 आपने मेहनत करना है, उस पर काम करना है, देन आपका जो ये स्किल तैयार हो आपको सर्विस कर सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फाइबर के हवाले से उन लोगों के लिए जो फाइबर को जानते हैं, आपको पता है कि फाइबर पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। वहाँ पे अगर आपने लोगों को कंपटीशन देना है तो वहाँ पे आपने बहुत अच्छी सर्विस देनी होगी, आपने उनके कंपटीशन के मुताबिक उसके एग्ज़ाम डालनी होती है। ठीक है, वो काम करके देना होता है जो मतलब कंपटीशन आपको बराबर कर सके, लेकिन ये जो है इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं ये 690 सर्विसेज अवेलेबल हैं पूरी फाइबर पे। ठीक है, टोटल जो इतने 690 लोग ये हैं वो काम कर रहे हैं, इसलिए आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अगर आप ये इख्तियार करते हो और अगर ये काम करके देखो तो बहुत जल्दी आपने रैंक कर देना है और आप बहुत इजीली ये काम कर सकते हो। जी दोस्तों, तो ये तो हो गया इस सर्विस के हवाले से कि आपने कौन सी सर्विस देनी है। ठीक है, अब हमने सर्विस कैसे मतलब ये स्किल सीखनी है और कैसे हम लोगों तक ये पहुँचा सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने कहाँ पर जाना है, ये वेबसाइट है हमारे पास, ये आपने कैनवा लिखना है एंड देन आपने इस पे जाना है। ये जो पहली वेबसाइट आएगी इसको आपने ओपन करना है, इसको आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। बहुत इजी काम है, आप बहुत जल्दी कर सकते हो, बस थोड़ी सी इंटरेस्ट होनी चाहिए आपकी। तो आपने लॉगिन पे जाना है, सबसे पहले इसको लॉगिन करना है। एंड देन ये हमारे पास वेबसाइट ओपन होगी इनकी ऑफिशियल, तो यहाँ पे आपने सर्च बार में जाके वहीं स्किल का नाम डाल देना है जो वहाँ पे आपने लोगों तक पहुँचानी है। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास। देखिए पहले ही उसने अभी सर्टिफिकेट मैंने पूरा लिखा नहीं है और उसने पहले ही हमें सजेस्ट में ही डाल दिया। ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं सर्टिफिकेट डिज़ाइन सिंपल वही कुछ करना है जो मतलब कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कैमरा के हवाले से कि आपने कैसे पे काम करना है। इसके लिए आपको फोटोशॉप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप होने दें सामने देखते हैं कि हमारे पास कौन से फॉर्मेट आ रहे हैं और किस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इस तरह के रिज़ल्ट आ गए। आप इनमें से कोई भी आप फॉर्मेट यूज़ करो, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करो, उसमें एडिट करो, उसमें कुछ चेंजिंग लाएँ
एंड देन आपका पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। ये देख लें, सही है। इनमें से मैं आपको कोई एक करके भी दिखा लेता हूँ, लाइक इसको हम ओपन करते हैं और उसमें आपको थोड़ा सा करके दिखा लेता हूँ कि आपने कैसे काम करना है। जी तो ये ओपन हो गया। अभी आप कुछ भी काम कर सकते हो, अपना चेंजिंग कर सकते हो, इसमें टेक्स्ट फाउंड, इसमें और चीज़ें डाटा ऐड कर सकते हो। ये हमारे पास सिंपल एक उन्होंने फॉर्मेट दिया है, इसमें आपने कुछ चेंजिंग करनी है। अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आपने टेक्स्ट ऐड कर देना है, इसमें कुछ भी लिखना है। फिर इसके बाद अगर आपने इसमें कलर चेंज करने हैं इनके, ये भी आप कर सकते हो इजीली। ये सामने यहाँ लाइक अगर हम इसको चेंज करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं हम, सो ये हमने चेंज कर दिया। एंड अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं, कोई भी कलर रख सकते हो आप, जो आप मतलब कि अच्छा एक फॉर्मेट बना के आपको अपनी स्किल अपनी थोड़ी क्रिएटिव होगी कि आप कैसा उसको अच्छा बेटर कर सकते हो। लेकिन ये कैनवा हमें इस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहाँ पे हमें अपना काम आप बहुत इजीली कर देना है, ठीक है, बहुत सिंपल करके दे दिया। इसके लिए हमें फोटोशॉप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसके लिए हमें किसी और चीज़ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक अच्छे फोटोग्राफी डिज़ाइनर हों तभी जाके हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इसके फॉर्मेट चेंज करें, इसके कलर चेंज करें, इसके अगर आप बॉर्डर लाइन की ये भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप ये भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। मतलब कि जितना जिस तरह का आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह का वो आपको डाटा प्रोवाइड करेगा, देन आप वही उस तरह का काम करके अपने क्लाइंट को दे सकते हो। तो ये आज की स्किल्स थी, इसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये काम शुरू करना है कि आपने गिग तैयार करनी है सबसे पहले फाइवर पे जाके इसी सर्टिफिकेट डिज़ाइन के हवाले से। फिर उस गिग में अपने प्राइजेज और अपने बजट को आपने वहाँ पर उसको रखना है एंड देन जाके आपने इसको पब्लिश कर देनी है। उसके बाद देखें आपके पास इंशाल्लाह ऑर्डर आएंगे और आप काम करके तो कैनवा को यूज़ करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने नेक्स्ट जब बेटर हो जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कैसे इसको मज़ीद बेहतर करना है। तो अपनी सर्विसेज दो लोगों को और अच्छी खासी अर्निंग करो।